व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप सो सब ठीक होंगे। तो यार इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये एक बारबेक्यू पार्टी। भाई ईद पे ये बारबेक्यू पार्टी वगैरह ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो लेट्स स्टार्ट। हो गया जी हमारा बिल्कुल रेडी मैरिनेशन के लिए, सारी चीजें हो गई जी हमारी यहाँ पे मैरिनेशन के लिए रेडी। यहाँ पे गोश्त में कुछ मसाले मिक्स हो रहे हैं और ये जो दही में मसाले बनाए ना ये हमने खुद मसाला अपना बनाते हैं। मैं कोई तिक्का मसाला वगैरह यूज़ नहीं करता, अपने मसाले सारे करता हूँ, उससे जो है ना सही ज़बरदस्त किस्म के तिक्के बनते हैं। लेकिन ये दही पे जो मज़े के मसाले लग रहे हैं ना, दिल नहीं कर रहा इनको मिक्स करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये हो गया हमारा देसी टिक्का मसाला रेडी और यहाँ पर गोश्त रेडी है और अब इसको मिक्स करेंगे जी गोश्त में। मैरिनेशन वगैरह हो गया, उसको हमने रख दिया है अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे, वो इसी तरह गोश्त पड़ा रहेगा, सही तरह जो है मसाले वगैरह मिक्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके जी भाई जान, 5-6 घंटे हो चुके हैं पूरे और मैरिनेशन तो हो चुकी होगी सही तरह से, लेकिन उससे पहले पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि रात हो गई है और आपको दिखाते हैं हमने बनाने किस जगह पे थे। ये वो जगह है जहाँ पे हमने बनाने और अभी यहाँ पे हमने जो है ना सारा सेटअप करना है लाइट वगैरह का। अंगीठी जो हमारे पास पिछले साल थी ना वो किसी को दी थी तो उन भाई साहब ने खराब कर दी है, अब हमें जुगाड़ू अंगीठी बनानी पड़ेगी ईंटों के साथ, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा जो है ना लाइट वगैरह का, पंखे का, वो बाकी सेटअप कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है जी रेडी, यहाँ पे हमारा सारा गोश्त पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी हम जलाएंगे कोयले और आप बस लाइटनिंग चेक करें, आप एक लाइट यहाँ पे, एक उधर और एक इधर, फुल प्रो लाइटनिंग है। क्यों जी ना सब कैसा सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आग लगाने वाली टीम हमारी तैयार हो चुकी है। भाई साहब जी कैसा मिट्टी का तेल है, आग ही नहीं लग रही, लगता है पानी है। अभी हम बाइक से निकाल के लाएंगे असली पेट्रोल, आग लगेगी ज़बरदस्त किस्म की आग। ओ और इस तरह से लग गई जी हमारी आग। हमारे साथ ये बंदे भी हैं, ठीक हो सर, टिक्का पार्टी हो रही है इधर। ये भी हमें आधा घंटा हो गया और अभी तक हमसे आग नहीं जली, एक दफ़ा जल जाए ना बस सारा मसला फिर खत्म हो जाता है, फिर मुश्किल काम नहीं रहता, सिर्फ आग जलाना जो है ना ये मुश्किल काम होता है। फाइनली काफ़ी सारी मेहनत के बाद आग जल चुकी है हमारी, शुक्र है, और अभी बाकी के बनने लगे। ये लग चुकी है जी हमारी पहली सीख, ये हम पहले लगाते होते हैं सिर्फ फ्राइंग के लिए, तो अभी ये लगाया है, कोयले तो बहुत मजे के जल गए हैं, ये चेक करें। ये चेक करें जी किस तरह की मैरिनेशन हुई हुई है, किस तरह बोटी लग रही है, एक बोटी और लगाएंगे, ये देखें अभी किस तरह बोटी जा रही है, ये चेक करें। ओह सही नरम हुई हैं बोटियाँ, अभी तक हमने चेक नहीं की, ये जो ट्रायल वाली थी वो है और बाकी भी हमने लगा दी हैं, कोयले ज़्यादा ना हो इस वजह से, तो ये बस तकरीबन पक चुकी है, इसको फिर ट्राई करते हैं। ये पहली सीख हो चुकी है जी हमारी रेडी, ये चेक करें जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी इसको उतारते हैं और फिर खा के चेक करते हैं। अभी ये पहली बोटी है, ये मैं ट्राई करता हूँ किस तरह की। ओह जबरदस्त भाई यार, मज़ा आ गया, क्या बात, मज़ा आ गया, कैसी है जी, बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और साथ ही साथ हमारा पहला सीख कबाब भी हो चुका है रेडी, अब इसको भी उतारते हैं और चेक करते हैं। हाय 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 भाई जान, क्या मज़े का सीख कबाब बना है, अभी हम थोड़े बहुत बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम काफ़ी सारा खा चुके हैं और काफ़ी सीखें लगी हुई हैं और काफ़ी सारा बचा हुआ है, एक किस्म का ये समझ लें कि अभी आधा भी नहीं हमने खाया, और ये कुछ हमने सीख कबाब और कुछ बोटियाँ उतार के रखी हैं, वो नीचे से दही मंगाया है अभी हमने और दही के साथ खाएंगे। ओए हो यार इस दफ़ा जो बने हैं ना, ओए हो पिछली दफ़ा बहुत ज़बरदस्त बने थे, लेकिन पिछली दफ़ा सीख कबाब हमने बनाने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, वो नहीं चले, तो इस दफ़ा हमने सही स्पेशल जो है ना सारा रिसर्च वगैरह करके सही तरह बनाया और ओए होए हो मज़ा ही आ गया, साथ ही हमारा दही भी आ गया, अब वो खाते हैं। ओए होए आपको चेक कराते हैं। अभी ये चेक करते हैं, ओए होए होए देखने में इतना मज़े का, खाने में कैसा होगा, मज़ा आ गया भाई जान। अभी सुबह के तकरीबन 3:40 हो गए और ये हमारी आखिरी सीख लगी हुई थी, वो भी अब तक उतर चुकी है और जो मज़े के तिक्के थे ना, ओए होए होए भाई जान, और अभी आपको मेरी आंखों से नींद का पता लग ही रहा होगा कि कितनी सख्त नींद आई हुई है। तो बस इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे ख़त्म, होप सो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।